हर फ्रंट पे फेल हो गई है। मुख्यमंत्री साहब हर फ्रंट पे फेल हो गए है, और जो कोई कम होर नहीं बचा जा सरकार नू दिखदा है कि बहुत सारी बदनामी और बहुत सारे सवाल है जिहड़ी वो सरकार ते लोकां ने चकने शुरू करते। फिर सरकार आपदे ओही मशहूरियां वाली सरकार, मैं इहदा नां दित्ता फोकी मशहूरियां वाली सरकार, जान बुझ के इस तरह का जिहड़ा ड्रामा है हर रोज रचदी है। हर महीने एक ना एक जिहड़ा कांग्रेसी व्यक्ति हुंदा है उहदे खिलाफ डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स दा केस बना के उन्हें फड़ लिया जाता है। तुसी वेखोगे जो किसी फाइल च कुछ लभदा नहीं, पहला तो हेल्थ दियां फाइलां दी सोनी साहब की गल करते, जो पता लगता कि फाइलिंग दे विच किते किसी प्रकार की कोई चीज नहीं है तो फिर डीए वाले केसा दे वल तुर पैंदे हैं। फिर डीए वाले केसा दे विच जिस प्रकार तथ्य जिहड़े आ तोड़ मरोड़ के दसे जाते हैं, कोई व्यक्ति जेड़ा भी पिछे किक्की ढिल्लों जी नूं फड़िया सी दस्या जांदा है कि इन्हां दी आमदन दे विच इन्ना वाधा हो गया, पर जेड़ियां व्यक्ति ते लाइबिलिटीज हैगियां यानी कि लोन हैगे ने, जेड़ा लोन लोगों का लिया हुआ है जां सीसी लिमिट्स हैगियां ने, उन्हां दा हमेशा वेरवा नहीं दिता जांदा, केवल एक्सपेंडिचर पार्ट पा के ते डीए दा खर्चा विखा के ते बंदे नूं अरेस्ट कर लिया जाता। पर अरेस्ट करके जान बुझ के, मैं तुहानूं पहला भी दस्या कि स्क्रिप्टेड स्टोरी चला के बंदे दी बदनामी ते करैक्टर असैसीनेशन किया जाता है। तुसीं देखिया होना पहला भी मिस्टर चन्नी दे नाल एक व्यक्ति जिस व्यक्ति नूं नौकरी नहीं दित्ती वो 2 करोड़ रुपए की गल करता है, और जिन्होंने नौकरियां दित्तियां वो रुपए की नहीं गल करदियां, तो अज भी वो नौकरी तो वांझा तुरिया फिरदा, दे देण उहनूं डीएसपी की नौकरी। सो आपदे बहुत सारे केसेस इवें शरारी साहब का जिहड़ा केसेस सीगा, शराब वाले लिकर पॉलिसी वाला मुद्दा हैगा, और मैं फिर इन्होंने कहा कि मैं कांग्रेसियां तो असीं वह वसूली करनी है मुख्तियार अंसारी की वसूली, जो वसूली की नहीं दिती नहीं तो भाई मेरे वसूली कहदी करनी है। सो इस तरह की हरकत करके सरकार जिहड़े सही मुद्दे ने उन्हां तो लोगों का ध्यान भटका रही, और दूजे पासे केंद्र दिल्ली लैवल से ये अलायंस की मंग करते हैं, जाने कि ऑर्डिनेंस के हक में भुगतन की गल करते हैं भी साढ़े नाल साड़ी मदद करो। इत्थे आगे कहा जाता है भी कांग्रेस पार्टी के सारे जिहड़े आगू साहबान ने चोर ने करप्ट ने, उत्थे जाके कहिंदे ने भी ये सदा साथ नहीं दिंदे। हालांकि कोई भी केंद्र सरकार है कोई भी बिल या नोटिफिकेशन लैके आउंदी है, चाहे धारा 370 सी, चाहे वह सिटीजन बिल सी, चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड सीगा, उहदे ते सब तो पहला आम आदमी पार्टी जिहड़ी है वह सरकार है जिहड़ी वह मोहर लाउंदी है। सो कहण दा भाव ये लोग दोहरे मापदंड अपना रहे ने, इन्हां ते इल्जामात लगे ने, इन्हां दे बंदे अंदर ने, इन्हां दे डिप्टी चीफ मिनिस्टर अंदर ने, इन्हां दे मिनिस्टर अंदर ने, उत्थे अपने आप नूं कट्टर इमानदार कह के लोगों के उन्हां नूं संबोधन करदे, इत्थे लोगों नूं करप्ट दस्या जांदा है। और तुसीं देखोगे किसी भी होर व्यक्ति नूं केवल कांग्रेस पार्टी नूं निशाना बनाया जा रहा है, केवल कांग्रेस पार्टी नूं, कोई होर किसी पार्टी दे किसी व्यक्ति नूं, बड़ियां वड्डियां वड्डियां गल्लां, मैं किसी होर व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत सारिया वड्डियां वड्डियां गल्लां इह कदे बीजेपी के लोगों के खिलाफ करते, कदे अकाली दल के खिलाफ करते हैं, लेकिन टारगेट एक ही है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि इन्हें पता है कारपोरेशन के इलेक्शन आ रहे हैं, कारपोरेशन के इलेक्शन आ रहे हैं। हुण इस करके इन्होंने जिहड़े कारपोरेशन के यह वड्डे दिग्गज के लीडर ने, इन्हों डर है भी कारपोरेशन असी चुनाव ना हार जाइए, इस करके अज साडे लीडर डिप्टी मुख्यमंत्री जिहड़े 6 बार चुनाव जीते एक इन्ना दाग नहीं आपके दामन से लगन दिता। बड़ियां सरकारां आईयां अकाली दल दीआं आईयां होर भी आईयां, लेकिन अचनचेत लोग
सोनी साहब ते सोनी साहब दे परिवार बारे जानते हैं कि वो खानदान किहो जिहा है, कि उन्होंने किन्नियां लुट्टां कीतियां, ये जनता जानती है और लोग जानते हैं। एक भी दाग सोनी साहब दे नहीं है, केवल ते केवल कारपोरेशन जितने से ते जान बुझ के क्रिकेटर असैसिनेशन करके मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ये बदलाखोरी की नीति नाल कार्रवाई कर रहे हैं हर महीने, और सानू किसे प्रकार का कोई डर नहीं है। कचहरियां दे विच जाना सानू कोई डर नहीं सता रहा, लेकिन एक माड़े रीति रिवाज है जिन्होंने पंजाब का आने वेले आने वाले समय च नुकसान करना है। मुद्दे तो सीगे नशे का मुद्दा, मुद्दा तो सीगा कि किसान सुसाइड अज भी कर रहे हैं, मुद्दा तो सीगा कि अज भी टीचरां नूं कुटिया जा रहा है, चुनिया पाड़ियां जा रही हैं, पग्गां उन्हां दियां पाड़ दित्तियां जा रही हैं। अज भी मुद्दा तो सीगा कि MSP देन दा अज भी मूंगी दी दाल रुली पई है, मुद्दा तो सीगा मुआवजे दा, मुद्दा तो सीगा लॉ एंड ऑर्डर दा कि दिन दिहाड़े लोगों नूं मारिया जा रहा है, लुट्टा खुट्टा। मुद्दा तो है हेल्थ दा कि अज भी थोड़े हस्पताल कबूतर बोलदे है, मुद्दा तो है स्कूल ते कॉलेजेस दा, मुद्दा तो है कि अज भी पंजाब का नौजवान, तुसी कहंदे सी मानसा भी अंग्रेज आया करनगे, अज भी पंजाब का नौजवान रोजाना बाहर जा रहा है। ये तमाम मुद्दे ने, आ मुद्दा नहीं है जो तुसी रोज जान बुझ के काम कर रहे हो। मौजूदा हालात किस तरह निजिठे जाऊंगा? मौजूदा हालात दे विच देखो जी, थोड़े सामने हुण सोनी साहब नूं पेश किया गया है, एवें निबड़ांगे लड़ लड़ के, और मेरा ख्याल असी होर तरीके दे नाल, तकड़े तरीके दे नाल असी मजबूत होवांगे, असी डरांगे नहीं भगवंत मान दे इस तसद्दद तों, लड़ांगे तकड़े होके निकलांगे। और इन्हां केसां तों फड़न दे नाल मैं लोगां नूं कहना चाहुंदा है, लोगां नूं कहना चाहुंदा है कि फड़न दे नाल किसी प्रकार का कोई असी गुनाह नहीं किया। कानून तुसी देखिया होने, अक्सर ही लोग जेल कट के आउंदे है ते बरी हो जांदे, लेकिन इस केस चो कुछ नहीं निकलना, और जिद्दे साडे इह केसेस रिजॉल्व होणगे इन्हां सारे केसेस चो कांग्रेस पार्टी दे जिहड़े लीडर साहिबान ने वो पाए इज्जत बरी होके निकलणगे। ਤੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੌਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਕਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਟਸ ਆਲ ਕੈਕਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਫਰੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੰਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਿਹਨੂੰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਅਨਸਾਰੀ ਵਾਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਈਆਂ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨੋਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਨਸ਼ਾ ਜੇ 5 ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ 10 ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸਕੂਲ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣੀ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ? 1000 ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, 1.5 ਸਾਲ ਟੱਪ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਂਜੀ गोडा रखा सरकार ने, सानू दबी आवाज दे विच तमाम लोग आके दसते ने भी साडी धौन ते गोडा रखा हुआ, सानू बचाओ। कुछ लोग तो सरेंडर ही कर गए, कुछ लोगों के चैनल ही बंद कर दे। कदे कांग्रेस राज भी होया सी, तुसीं साडियां खबरां सुनाउंदे सी रोज, साडे उल्ट लाउंदे सी खबरां, कदे मीडिया कर्मचारी नूं। सानू तां इह सरकार जिहड़ी नवीं सरकार है वल सिखा रही है कि किद्दां धौण फड़ के रखणी है, मरोड़नी है। किसे नूं वल सिखाया, कदे कदे कम भी आउंदा। फिर मेरे कहण तों मतलब है कि इस गल च कुछ नहीं पिया, इहदे नाल पंजाब दी तरक्की रुकेगी,
मेरी बेनती है कि असि तकड़े होके पंजाब दे विकास दी, पंजाब दे लोकां दी ते बुनियादी मुद्दियां दी गल करिए, ना कि यार जाना ड्रामा करिए विजिलेंस नूं लै गई, विजिलेंस आ गया। सक्सेस रेट विजिलेंस दा 1% है, जिहड़े जे विजिलेंस केस पढ़ दी है 100 केस विजिलेंस पढ़ दी है तो उहदे चो 1% जिहड़ा सक्सेस रेट है, कमी कि क्योंकि खुर्द बुर्द करके केस बनाया जांदा है, सारा नजायज केस बनाया जांदा है। जो सेंटर दी एजेंसियां तो गां, सेंटर दी एजेंसियां साडियां भूआ लगदियां, ओह एडू वी माड़े है। सारिया ज देश एजेंसियां इस तरह का रवैया अपनाया होया है। उत्थे मैं ताही तक कह रहे हैं कि जो केंद्र एजेंसी थानू पैंदी है, तुसी सीबीआई दे बाहर धरना लाया, जो केजरीवाल साहब नू सद्या तो सीबीआई दे बाहर धरना लाया, तुसी आख्या सीबीआई चोर है, सीबीआई सानू गलत पसा रही है। इत्थे तुसी भी उही काम करदे हो, तुसी कहिंदे ईडी गलत है, धक्का कर रही है ईडी, इत्थे विजिलेंस धक्का कर रही है। स्ट्रैटेजी असीं लड़ांगे, लड़के मरांगे, और असीं जे मरांगे ते नाल थानू भी लैके मरांगे। मेरे असीं लड़ांगे, असीं जनता दे विच जाके थानू दसांगे तुहाडा की बुनियादी मुद्दे सन, की करतूतां तुहाडियां। और बिलकुल मैं अज मीडिया दे राही कहना, जे कोई व्यक्ति जिहड़ा जेल जांदा, हर व्यक्ति जेल जाण वाला गुनहगार नहीं है, कृपा करके उन्ना चिकर नूं गुनहगार ना समझो जिन्ना चिकर अदालत उहदे खिलाफ ਉਹਨੂੰ ਗੁਨੇਗਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਗੁਨੇਗਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਨੇਗਾਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਗੁਨੇਗਾਰ ਕੋਈ ਗੁਨੇਗਾਰ ਨਹੀਂ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ 1 ਘੰਟਾ ਬਹਿਸ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਰਿਬਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। 8 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, 1 ਦਿਨ 'ਚ ਕੀ ਲੱਭ ਲੈਣ? 1 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲੇ, 1 ਦਿਨ ਦਾ ਜੀ, ਪਰਸੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਰਡੈਂਟਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਆਈ ਐਮ ਅ ਲਾਇਰ, ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਆਰਗਿਊ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੈਟਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੈਟਾ ਵਿਦ ਸਟੋਰਮ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ।